हेलो स्टूडेंट, आज आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं पहचान इसकी। ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में प्रायः का रहा है, दे रहे हैं, दी रही है, का रहा हूँ, दी रही हूँ आदि शब्द आते हैं। मतलब ये शब्द आपको देखने को अगर अंत में मिलते हैं क्रिया के, तो वहां पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तथा साथ ही निश्चित समय व अनिश्चित समय भी दिया गया होता है। जैसे समय भी दिया गया होता है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम निश्चित समय और अनिश्चित समय का जो डाउट है वो क्लियर कर लेते हैं। निश्चित समय जैसे सोमवार से, 10 बजे से, कल से, दोपहर से, सन 1950 से, सुबह से, रात से, इन सब के लिए हम सिंस लगाएंगे इनसे पहले, उसके बाद इनका समय जो है वो राइट करेंगे। अनिश्चित समय जैसे 3 मिनट से, 4 घंटे से, 5 दिन से, 6 महीने से, 7 साल से आदि, तो इनके लिए इनसे पहले हम क्या लगाएंगे और फिर बाद में उसके बाद में जो भी है 3 मिनट, 7 इयर्स, वो सब हम राइट करेंगे। फॉर्मूला है अफर्मेटिव का, देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड फॉर, देन टाइम। तो ये फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग चलते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट इसमें जो होगा, जो काम कर रहा होगा, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, वह के लिए ही। अब ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर लगेगा ही हैज। उसके बाद में क्या आएगा, बीन है तो बीन लगा लीजिए, ही हैज बीन। अब यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है पढ़ना, पढ़ना की होती है रीड, आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा रीडिंग। अब उसके बाद में क्या आता है, रीडिंग के बाद में क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक, तो ऑब्जेक्ट पुस्तक है आपका, रीडिंग बुक। उसके बाद में आता है समय, तो समय है 2 घंटे से, तो समय 2 घंटे आपका पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर, और फॉर के बाद में टाइम जो है 2 आवर्स। इस तरह से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला है सेंटेंस, वह हमारे साथ 2003 से इस मकान में रह रहा है, तो वह के लिए हम लगाएंगे ही, और ही के साथ में हैज, उसके बाद में बीन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रहना की होती है लिव, LIV, और ई होता है तो आई में चेंज करेंगे और आईएनजी यहाँ पर जोड़ देंगे, तो हो जाएगा लिविंग। अब कहाँ रहना, इस मकान में, तो इन दिस बिल्डिंग। इन दिस बिल्डिंग अब कब से रह रहा है, हमारे साथ रह रहा है, तो यहां पर हो जाएगा विथ आस। अब कब से, तो 2003 से, तो यहां पर लिखा जाएगा आपका टाइम, तो सिंस, और फिर 2003, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए निगेटिव देखते हैं, तो अब हम देखते हैं निगेटिव अपना। निगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और फिर टाइम आपका दिया जाएगा। देखते हैं इसके एग्जांपल, जैसे वह 2 घंटे से नहीं सो रहा है, तो वह के लिए हम लगाएंगे ही, और ही के अकॉर्डिंग हैज, तो ही हैज, फिर उसके बाद में नॉट, तो ही हैज नॉट हो जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, ही हैज नॉट के बाद में बीन, उसके बाद में क्या आएगा वर्ब, तो वर्ब है सो रहा, सोना की होती है स्लीप, SLEEPING, स्लीपिंग हो जाएगा। फिर है कब से, 2 घंटे से, तो यहां पर क्या आएगा फॉर, क्योंकि पता नहीं है आपका, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 आवर्स, और इस तरह से ये सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नदी में एक
घंटे से नहीं नहा रहे, तो हम की वी, और वी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हैव, वी हैव। अब यहाँ पर नहीं आया है तो नॉट, वी हैव नॉट। फिर बीन, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए नॉट के बाद बीन आया, तो नॉट के बाद बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो नहाना, नहाना की होती है बैथ, बी ए टी एच और आईएनजी जोड़ देंगे, अब हो जाएगा बाथिंग। अब यहाँ पर है कहाँ, तो नदी में, तो इन द रिवर, इन द रिवर। अब यहाँ पर हो जाएगा एक घंटे से, कब से रह रहा है, एक घंटे से, तो फॉर एन आवर्स, फॉर एन आवर। इस तरह से ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला इंट्रागेटिव फॉर्मूला है, तो इंट्रागेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हैज है, फिर सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो क्या आता है सबसे पहले, अगर क्या से शुरुआत हो रही है सेंटेंस की, तो कोई भी किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको पहले लिखना होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखिए सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट। क्या वह तुम्हें जुलाई से पढ़ा रहा है, तो क्या वह, काम वह के द्वारा किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैज, और सब्जेक्ट बनेगा ही। तो हैज के बाद में ही आ जाएगा, और ही के बाद में यहां पर हम क्या लगाएंगे, बीन। उसके बाद में वर्ब, तो वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना की होती है टीच, टी ई ए सी एच आई एन जी, टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहा है, किसको, यू, टीचिंग यू। अब क्या पढ़ा रहा है, अब देखिए कब से पढ़ा रहा है, तो जुलाई से, तो यहां पर लगाएंगे सिंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस जुलाई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर है, क्या धोबी 2 दिन से लोहा नहीं कर रहा है, तो क्या के लिए लगाएंगे, धोबी के लिए हैज, उसके बाद में धोबी की, द वॉशरमैन, द वॉशर मैन। अब इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लोहा करना की होती है आयरन, आई आर ओ एन, आईएनजी जोड़ेंगे, आयरनिंग हो जाएगा। फिर बाद में कब से, तो 2 दिन से। अब इसमें नहीं आया है ना, तो यहां पर आपको देखना, ध्यान देना कि अगर नहीं का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर नॉट आपको लगा देना है, ठीक है। फिर बाद में आयरनिंग, और 2 दिन से है, तो फॉर 2 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।